में स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे मैगी पिज्जा, जो बच्चों की फेवरेट डिश है। मैगी पिज्ज़ा बनाने के लिए हम पहले लेंगे कढ़ाई। कढ़ाई को गैस पर रखेंगे और गैस को ऑन करेंगे। अब हम इसमें फ्राई करने के लिए तेल डालेंगे। हमें मैगी को तोड़ना नहीं है, हमें मैगी को सादा साबुत निकालना है। देखिए तेल गर्म हो चुका है, हमें मैगी को तोड़ना नहीं है, साबुत ही तलना है। हमने मैगी को तेल पे फ्राई होने के लिए डाल दिया है। अब हम इसे सुनहरा होने देंगे। देखिए मैगी सुनहरी हो चुकी है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। बेस बनाने के लिए हम बाउल लेंगे। बाउल में 2 कप सूजी, 1/4 कप दही, 2/4 नमक डालकर उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। बेस में थोड़ा पानी डालकर उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम साइड से रख देंगे। फिर हम मैगी लेंगे जो हमने फ्राई की हुई थी। उसे हम छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। देखिए हमने मैगी को तोड़ लिया है। अब हम मैगी को उसी बेस में डाल देंगे। अब हम उसे मिक्स करेंगे। मैगी डालकर बेस गाढ़ा ना रहे, इसलिए उसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे। अब हम उसमें सोडा डालेंगे। और अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। देखिए अब हमने इसे अच्छे से मिला लिया है। अब हम पैन लेंगे और गैस ऑन कर देंगे। पैन में लगभग 1 चम्मच तेल डालेंगे। तेल तो चारों तरफ फैला लेंगे और हम गैस को हल्का कर देंगे। अब हम मैगी के बैटर को पैन में पूरा डाल देंगे।
चम्मच से मैगी के बैटर को हम चारों तरफ फैला देंगे। अब हम गैस को मीडियम फ्लेम पर करके पैन को ढक देंगे और उसे अच्छे से पकने देंगे। जब तक ये पक रहा है पिज्जा सॉस की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए 2 बड़ा चम्मच मेयोनीज और 2 बड़ा चम्मच टमाटो केचप को मिला लेंगे। और इसमें 1 बड़ा चम्मच मैगी मसाला को मिला लेंगे। पिज्जा सॉस तैयार है। अब इसे चेक कर लेते हैं। देखिए एक तरफ से अच्छी तरह पक चुका है। अब इसे हम पलट लेंगे। हम बेस को हिलाकर देखेंगे, फिर उसे प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए हमारा बेस कितना अच्छा लग रहा है। बेस को दूसरी तरफ सिकने के लिए तेल डालेंगे। बेस को हम फिर से पैन में डाल देंगे। अब इसके ऊपर पिज्जा सॉस को अच्छी तरह से फैला देंगे। फिर हम चीज लेंगे। यहाँ पर हम क्यूब चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहो तो मोजरेला चीज या चीज स्लाइस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चीज को हम चारों तरफ ग्रेट करेंगे। इसके बाद भी हम चीज को दोबारा डालेंगे। अब हम टमाटर लेंगे। यहाँ हमने टमाटर के बीज को निकाल कर इस तरीके से लंबा काट लिया है। अब इसे चीज के ऊपर सजा लेंगे। अब हम शिमला मिर्च लेंगे। शिमला मिर्च को भी हमें लंबा कट करना है और बेस के ऊपर लगाना है। अब हम प्याज लेंगे। प्याज को भी हमें लंबा लंबा कट करना है। इसे भी हमें पिज्जा के ऊपर सजा देना है। आप इसमें स्वीट कॉर्न, ऑलिव या और भी सब्जियां लगा सकते हैं। अब इसके ऊपर हम दोबारा से चीज ग्रेट करेंगे। अब इसे ढक देंगे और 2-3 मिनट तक पकने देंगे, जिससे चीज अच्छे से मेल्ट हो जाए। 3 मिनट हो चुके हैं। इसे खोलकर देख लेते हैं।
देखिए कितना सुंदर पिज्जा बनकर तैयार हुआ है। घर में अक्सर बच्चे पिज्जा की जिद करते हैं। मार्केट का पिज्जा अनहेल्दी होता है। आप इस तरह से आसानी से पिज्जा बनाकर बच्चों को खिला सकते हैं। अब इसे प्लेट में निकाल लेंगे। और इसे काट लेंगे। देखिए कितना सुंदर और टेस्टी लग रहा है। अब आप घर पर ही बच्चों की जिद बहुत ही आसानी से पूरी कर सकते हैं। अगर आपको पिज्जा की आसान रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।